وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے ان کو سول ڈیفینس کے رضاکار اسسٹ کرتے ہیں, اور ایون ریلوے جن کی اپنی پولیس بھی موجود ہوتی ہے اس کو بھی پنجاب میں اور سندھ میں سول ڈیفینس اسسٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ سول ڈیفینس کے چار پانچ ٹاسک ہیں, وہ تو شاید آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ جس طرح بم ڈسپوزل, وارڈن سروس, ریسکیو سروس, جو کہ قدرتی آفات میں کوئی واقعہ ہوتا ہے اس میں ریسکیو سروس ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ, کیجوئلٹی سروس اور فائر فائٹنگ. فائر فائٹنگ چونکہ ٹاؤن کا سبجیکٹ ہے, لیکن پھر بھی ہم لوگ اس جو امپلائز ہوتے ہیں, ملازمین یا جو بھی اس شعبے سے واسطہ رکھتے ہیں, ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا مین جو ایک حصہ ہے وہ وارڈن سروس کا ہے, جس میں ہم والنٹیئرس ریکروٹ کرتے ہیں. والنٹیئر چونکہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ رضاکار ہوتے ہیں بغیر تنخواہ کے, لیکن جیسا کہ دیگر صوبوں میں ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں, بلوچستان میں بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کم از کم اتنی تنخواہ ہو کہ وہ اپنی جو اس کے فرائض ہوتے ہیں وہ بخوبی سر انجام دیں. تو اس سلسلے میں ہمارے جو والنٹیئرز ہیں, ان میں چیف آرڈینر اورنگزیب قاسمی, تو لہٰذا وہ اس بات پر راضی ہوئے کہ ہم ایک ایسی میٹنگ کر لیتے ہیں کہ اگر جو انجمن تاجران ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا فنڈ جنریٹ کیا جائے کہ جس سے ان والنٹیئرس کو کم از کم اتنی تنخواہ دی جا سکے کہ جس سے وہ اپنا روزگار یا کوئی جو بھی اس کے معاملات زندگی ہوتے ہیں وہ اسے چلا سکے. آج کی میٹنگ ہوم سیکٹری نے شیئر کرنی تھی, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوم سیکٹری کے ساتھ ہماری فائنانس میں میٹنگ تھی, ہم وہاں سے نکلے تو وزیر اعلیٰ صاحب کا ان کو فون آیا. تو اس میٹنگ میں کمشنر صاحب, سی سی پی او صاحب, ڈی آئی جی آپریشن اور ایس ایس پی ٹریفک, یہ سارے موجود تھے. اتفاق سے ہمارے پاس ایس ایس پی ٹریفک موجود ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وقت پر پہنچے ہیں. باقی کمشنر صاحب, ڈی سی او صاحب اور ہوم سیکٹری, اس میں بہتری لانے کے لیے ان کو بھی فنڈ جنریٹ کرتے ہیں
ये जो बेशक अंजुमन ताजरान और वॉलेंटियर खुद मिल के उसको जो भी अकाउंट ओपन करते हैं वो खुद ही चला रहे हैं, और जो इंडिया जहाँ कहीं सिक्योरिटी के अलावा वैसे भी हम वॉलेंटियर जब भी पुलिस को जरूरत हो हम देने के लिए तैयार हैं। ट्रैफिक में वैसे भी चंद दिन पहले भी SSP ट्रैफिक का बयान आया था कि हमने वॉलेंटियर्स की खिदमत ली है, 200 के करीब वॉलेंटियर्स खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी आजकल के हालात को देखते हुए, वैसे भी आप सब लोगों को पता है कि दुनिया में ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग छिड़ी है उसके और भी मकासद हैं, तो उसमें एक मकसद ये भी है कि जो सिक्योरिटी के हालात में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है उस में भी कारोबार किया जाए। तो वो हम ये चाहते हैं कि जो सिक्योरिटी हालात बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पेट्रोल पंप है, CNG पंप है और दीगर जो कारोबारी मराकज है उनमें इसकी अगर इंस्टॉलेशन हो तो वो सिविल डिफेंस के थ्रू हो। इसके अलावा जो चंद दिन पहले बल्कि कल ही परसों हमारी DCO क्वेटा से मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि क्वेटा में इस तरह का कोई मरकज़ नहीं है कि जिसमें कोई भी कुदरती आफत या कोई वाकया होता है उसे निपटने के लिए कोई टीम मौजूद हो। तो जिस तरह के पंजाब में 112 कोई रेस्क्यू उन्होंने सर्विस निकाली है, हम ये चाहते हैं कि 999 के नाम से बलूचिस्तान में भी इस तरह सर्विस निकाली जाए। इसके लिए बाकायदा एक महकमा बनाया गया अर्बन प्लानिंग के नाम से, जिसके मिनिस्टर गुजर साहब हैं उस पर काम कर रहे हैं वक्त के साथ, शायद वो महकमा बने। इससे पहले पहले हमने जो होता है ट्रैफिक बनाया था तो इस टॉपिक पर शेर हासिल गुफ्तगु हम सब ने की थी, तो उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन ताजरान और जो हमारा सेवा ये कि अगर कोई चीज़ होती है कोई ताजर कोई दुकानदार ज़्यादा ही गुस्ताखी बोल कर आए तो हमने इस हद तक की है कि तरीके से उसको थाने तक लाया है, फिर आप लोगों की सिफारिश पर हमने छोड़ दिया है। अगर से पुलिस पर हाथ उठाना या उससे गाली गलौज करना या उस ग्राम में ग्राउंड पैदा करना, चूँकि हमें अवामी हमायत हासिल है, आप लोगों की हमायत हासिल है, आप लोगों की हमायत से हमने ये काम शुरू किया है। आप लोगों ने ही कहा कि मस्जिद तुबा से कंदारी बाजार तक लो पार्किंग करने शुरू करते हैं, हमने आप लोगों के मुतालबे पर किया है। आप लोगों ने ही कहा कि शहर में ट्रैफिक का बुरा हाल है इसको ठीक करें, तो आप लोग का तावन है मैं बहुत मशगूल हूँ। फिर हमने आप लोगों की सिफारिश पर ही उनको छोड़ा है, उसी दुकानदार को जिसने मास्क ज्यादती की है बदखलाकी की है हमने FIR नहीं की, हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आप लोगों के सामने सुरखरू है कि कोई दुकानदार ये नहीं कह सकते कि आपने हमारे लिए सहूलत पैदा करना था और हमारे दुकानदारों की बंद की है। हमने कानून के अंदर हल्का सा उनको डराया है लेकिन एक्शन नहीं लिया और हम उठवाएंगे आप लोगों के सामने कि हमने कोई वो नहीं किया है। तो आप लोगों का जहाँ तक तावन है उसमें कोई शक नहीं है, हम लोगों के तावन के बगैर एक रक्षा नहीं ला सकते हैं, एक गदा गाड़ी नहीं ला सकते, क्योंकि वो आपकी दुकान के पास खड़ा होगा, आपका माल बर्दारी के लिए खड़ा होता है ना, आप लोगों का पैपों को लोड करने के लिए पिकअप खड़ा होता है, हम उस पिकअप को चालान करते हैं, आप देख रहे होते हैं, आप अच्छा चेक फुली हमारे साथ बात करते हैं कि सर बस नहीं जानने जो आयदे ताकतवर हो गए, हमारा नकली का कमी पूरा हो रहा है। ऐसा है कि हमारा एक ड्यूटी पॉइंट तो दूसरी पे है, दूसरा हमारा है पारान होटल के पास है, तीसरा है हमारा विशदार रोड पर है, तो आर्चर रोड क्रॉस पर है, मैं क्रॉस के बाद बता रहा हूँ, चौथा हमारा हाशिम अर्की के पास है या मीठा चौक पर है, मना करते हैं कि नहीं ये बीच में जो रखते हैं ये डबल पार्किंग ना करें, क्योंकि हमारे पोस्ट में तो वो पार कर चुका होगा, डबल पार्किंग कर चुका होगा और किसी मर्जी को भी गुस्सा होगा, तो रजाकारों का जरूरत है रहेगा, ये उस वक्त तक जरूरत रहेगा जब तक हमारा पुलिस का ट्रैफिक पुलिस का नफरी उसकी कभी पूरी ना हो। इवन देन उसके बाद भी हम कभी इनकार नहीं करेंगे कि उसके बाद भी हमें रजाकार की जरूरत नहीं, हमें क्यों जरूरत नहीं, ठीक है ना, वो हमारा और अवाम का सर्विसेज के लिए आ रहा है।